करूंगा। जैसे आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मैं तो उन कलाकारों की जो चरणों की रज हुआ करती उसकी बराबर भी नहीं। वैसे मुझे आपके गांव में पहली बार मौका मिला है, ये मेरे सौभाग्य है। अभियान हमारे भाई साहब तेज सिंह जी बता रहे थे आपके सामने, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप जैसे विद्वानों ने एक कवित्व में साफ शब्दों में जवाब दिया है, ये तो सब कर्मों का खेल हुआ करता है, लेकिन कैसे हुआ करता है, क्या जवाब दिया भजनलाल, संभल के भैया। श्याम सुंदर ने कहा, किससे कहा, कि धर्मराज से,
भैया धर्म आप ऐसा कीजिए कि अब अपने राज को संभालिए। जैसे राज का नाम लिया ना, धर्म राज कहने लगे कि इस राज को मैं कदापि नहीं समझ सकता। क्यों? कि ये तो पापों से भरा हुआ राज है। श्याम सुंदर हंस गए, विचार करने लगे, सोचने लगे। भीमसेन को पास में बुलाया और कहा कि भैया भीम, ये हमारी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। किसकी बात को मानेगा? ये तो उसकी बात को मानेगा जो पिता में भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। तो पांचों पांडव, छठ में श्याम सुंदर, सात में द्रौपदी को लेकर के कहा कि पिता में भीष्म के पास चलते हैं। अर्थ में जवाब दिया है भैया भजनलाल, जो जिगरी की बात होती है सुन के जवाब क्या कहा कि ये परम पिता पंडन को लेके चलते हैं। परम पिता पंडन को लेके पास भीष्म के जा रहे हैं। इत सरसैया पर पड़े भीष्म वो प्रभु की आस। सो आज के श्याम सामने मेरे, आज के श्याम सामने मेरे वो अंतिम दर्श करा दे और मेरे जीवन को सफल। पिता में भीष्म के पास पहुंच गए, लेकिन पिता में भीष्म ने कहा, भैया जी जैसे पिता में भीष्म के पास पहुंचे ना, हाँ जी सरदारो, पिता में भीष्म के पास पहुंचे जैसे वो द्रौपदी और पिता में भीष्म के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी ना, पिता में भीष्म जवाब देते हैं, बेटी में दावे के साथ कहता हूँ। तो पिता में भीष्म और द्रौपदी को समझा रहे हैं, लेकिन क्या जवाब दे रहे हैं सुनेंगे भैया भजनलाल, क्या जवाब दिया है सुनकर भैया। Thank you.
अजयलाल सुनकर भैया तो द्रौपदी क्या जवाब देने लगी, पिता मैं भीष्म से बाबा सुनिए क्या बताए भैया भजनलाल, के अब ये चादर खींचो और ये चीर पड़ी और पापा और फिर आप से बोली और तुम ऐसे बने कठोर बाबा
सरदारों जब ये शब्द कहे ना, लेकिन पिता भीष्म जवाब देते बेटी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बता कहा कि ये है के दुखी पिता में बोले। बेटी मैं आपसे सख्त वचन कहता हूँ, ये है के दुखी पिता में बोले, मैं जंजीरों में जकड़ा था, खाया था नमक हरामी का, बस हाथ उसी ने, सो मैं तो को नग्न देख नहीं पायो, मैं तो को नग्न देख नहीं पायो, जब खिंच रहे वस्त्र तुम्हारे और ना बेटी मैंने अपने पलक, आपको मैं नग्न नहीं देख सकता। जब इतने जवाब सुने ना, द्रौपदी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, जवाब दे रही है लेकिन ढोला में जवाब दे रही है, मेरे क्या जवाब दे लल्ला दिया जी। Hey!
अच्छा पीने के बाद बुला लो।